ये जो आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसमें मिसलिनियस एग्जाम्पल्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 26 में है बेटा, एक रेखा एक घन के विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। एक लाइन ऐसी है जो कि घन के विकर्णों के साथ अल्फा, दूसरे विकर्ण के साथ बीटा, तीसरे विकर्ण के साथ गामा और चौथे विकर्ण के साथ डेल्टा कोण बनाती है। तो सिद्ध करिए कि कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा प्लस कॉस स्क्वेयर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, थोड़ा आप गौर से देखिएगा। एक यहाँ पर हम लोग फिगर, ये हमने एक घन बना लिया और इस घन के इस पॉइंट पर हमने मूल बिंदु मान लिया, और आप सभी लोग जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0.0.0 होते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक एक रेखा घन के विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है, तो सिद्ध करिए। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। अब मैं इसमें एक काम करता हूं, सबसे पहले क्योंकि ये घन है और आप जानते हैं घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर। तो माना घन की प्रत्येक भुजा ए है, माना घन की प्रत्येक भुजा हमने मान लिया कि घन की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, स्मॉल ए। थोड़ा ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, ये वाली भुजा भी कितनी है ए, ये वाली भुजा भी कितनी है ए, और ये वाली भुजा भी इसकी कितनी है ए। तो घन की प्रत्येक भुजा कितनी हो गई, ए। जैसे ये हमारे पास एक घन है तो इसकी ये वाली साइड भी ए है, इसकी ये वाली साइड भी ए है, और इसकी ये वाली साइड भी ए के बराबर है, ऐसा पासे जैसा ये एक घन है, सारी भुजाएं ए ए ए हैं। अब अगर आपने, आपको ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं, तो क्या आप मुझे इस बिंदु के निर्देशांक बता सकते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये कौन से अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये जेड अक्ष पर स्थित है, तो 0.0, a। इस बिंदु के निर्देशांक 0.a, 0। अच्छा, क्या आप इस बिंदु के निर्देशांक बता सकते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये है कहां पर, ये एक्स अक्ष इधर है, इधर वाई अक्ष है, तो ये एक्स वाई तल पर है, देख रहे हैं, एक्स वाई तल पर है। अगर ये एक्स वाई तल पर है तो इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, a, a, 0। वेरी गुड, a, a, 0। अगर एक्स वाई तल पर है तो जेड जीरो रहेगा, वाई जेड तल पर है तो एक्स जीरो रहेगा, एक्स जेड तल पर है तो वाई जीरो रहेगा। ये कौन से तल पर है, एक्स जेड तल पर है। अगर ये एक्स जेड तल पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0, a। ये कौन से तल पर है, ये इस वाई जेड तल पर होगा, तो 0, a, a। अब ये एक पॉइंट बचा, ये कहां पर है, क्या किसी अक्ष पर है या किसी तल पर है या ऐसे ही बीच में कहीं पर है, ये तो ऐसा स्पेस में है कहीं पर बीच में। अगर ये बीच में है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी ए, वाई कोऑर्डिनेट भी ए और जेड कोऑर्डिनेट भी ए रहेगा। बात समझ आ गई आपको, इस तरह से फिगर समझ आया कि नहीं आया आपको, सबको आ गया कि ये घन है और घन की प्रत्येक भुजा हमने कितनी मान ली, ए है, और इस तरीके से सारे बिंदुओं के निर्देशांक भी हमने बना दिए। हम इसके पॉइंट
बुक में जो फिगर बना हुआ है उसी के पॉइंट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं तो आपको समझना आसान होगा। यहां पर हम मान लेते हैं ए, इस जगह पर बी, फिर यहां पर सी, उसके बाद इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई, एफ और यहां पर जी। हो गए सारे पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ एक रेखा एक घन के विकर्णों के साथ, इसका मतलब है यहां पर आपको घन के विकर्ण भी देखने हैं कहां कहां पड़ेंगे। जैसे ये एक घन है आपका, या आप इस हॉल को अगर देखोगे तो यहां से भी विकर्णों का अंदाजा लग जाएगा। हालांकि ये हॉल घन के आकार का नहीं है, घन आपके आकार का है, लेकिन विकर्ण का आइडिया तो मिल जाएगा आपको। तो अगर ये वाला कोना ओ है और बाकी सारे कोने आपको दिख रहे हैं तो कितने विकर्ण होंगे, कौन कौन से? एक तो ओ से ये वाला कोना मिलेगा, तो एक विकर्ण तो ये हो जाएगा। फिर एक इससे ऐसा मिला के विकर्ण बना लेंगे, फिर एक इससे ऐसा मिला के बना लेंगे और एक इससे ऐसा मिला के बना लेंगे। कितने विकर्ण बन जाएंगे? चार। इसमें वो विकर्ण कहां कहां मिलेंगे आपको, सोचिए और बताइए। एक विकर्ण तो ओ ई विकर्ण मिलेगा विकर्ण आपको। मैं यहां पर विकर्ण लिखता हूं, देखिए विकर्ण, पहला विकर्ण कौन सा होगा? ओ ई, ये ओ है मूल बिंदु और ये ई है, समझ आया? सामने इसको मिलाएंगे, या आप ऐसे समझ लो जैसे इस बिंदुओं के मुताबिक आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये कोना हमने ओ मान लिया मूल बिंदु, इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई अक्ष है और इधर की तरफ क्या है, जेड अक्ष। तो वहां पर बिंदु कौन सा है एक्स अक्ष पर? ए वाला, ठीक है। वाई अक्ष पर कौन है? बी। और जेड अक्ष पर कौन बिंदु है? सी। बाकी ये वाला डी कहां पर है? आपके इस नीचे वाले प्लेन पर, फर्श पर डी है, ठीक है। इसके बाद ई कहां पर है? तो ई ऐसा यहां बीच में है कहीं पर, ठीक है। इसके बाद एफ कहां पर है? तो एफ है वाई जेड प्लेन पर। वाई जेड प्लेन पर मतलब इस प्लेन पर कहीं पर है, इस दीवार में। और जी एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स और जेड इस दीवार पे है कहीं पर। अब आप खुद समझिए थोड़ा सा, एक विकर्ण कौन सा बना? ओ ई, इसको देखिए। दूसरा विकर्ण कौन सा बना सकते हैं? ए एफ बना सकते हैं, हाँ। इसका इधर से लेकर के एक्स अक्ष पर जो ये बिंदु है उसको हम वाई जेड प्लेन से, एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो वाला, उसको वाई जेड प्लेन इससे मिला सकते हैं, ये वाला विकर्ण होगा। तो दूसरा विकर्ण कौन सा बनेगा? ए एफ विकर्ण बन जाएगा एक, तो एक विकर्ण आपका ए एफ हो जाएगा। और एक विकर्ण कौन सा होगा? बी सी विकर्ण एक होगा, बी जी होगा, बी जी होगा एक विकर्ण। और एक विकर्ण कौन सा होगा? सी डी। तो एक विकर्ण हो जाएगा बी जी और एक विकर्ण होगा सी डी। ये इसके विकर्ण है। कुल मिला के एक चीज ये आपको समझनी है इस फिगर के विकर्णों के लिए, कि जब भी कोई विकर्ण बनाएंगे एक बिंदु उसका कहां पर होना चाहिए? एक अक्ष पर। और उस विकर्ण का दूसरा बिंदु कहां पर होना चाहिए? किसी तल पर। देखो एक विकर्ण हमने क्या बनाया? ए एफ, तो ए एक्स अक्ष पर था और एफ वाई जेड तल पर है, देखा आपने। तो ए एफ में से ए एक्स अक्ष पर है, एफ वाई जेड तल पर है, ठीक। विकर्ण बी जी को देखो, बी बिंदु वाई अक्ष पर है और जी एक्स जेड तल पर है, ठीक है। अगला विकर्ण सी डी को देखो, सी जेड अक्ष पर है और डी एक्स वाई तल पर है, समझ आ रहा है कुछ आपको? इस तरह से ये आपके क्या बन गए? विकर्ण। और ये जो एक विकर्ण ओ ई बना था,
इसमें ओ मूल बिंदु पर है और ये किसी तल पर नहीं है, स्पेस में है ऐसा। इस तरह से इसके कितने विकर्ण बन गए? चार। ओ ई ए एफ बी जी सी डी, ओ ई ए एफ बी जी सी डी, इतने ये चार विकर्ण हमारे तैयार हो गए। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक लाइन भी है, पर उस लाइन को हमने अभी चित्र में नहीं दिखाया आपको, पर वो लाइन ऐसी है जो इन विकर्णों के साथ, वो लाइन ऐसी है कि OE विकर्ण के साथ अल्फा, AF विकर्ण के साथ बीटा, BG विकर्ण के साथ गामा और CD विकर्ण के साथ डेल्टा कोण बनाती है, वो लाइन ऐसी लाइन है। तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं एक काम करना चाहता हूं, ये जो OE AF BG CD विकर्ण है इनके हम दिक् कोज्याएं निकालना चाहते हैं, दिक् कोज्याएं। तो विकर्ण OE की दिक् कोज्याएं क्या होंगी? विकर्ण OE की दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं कैसे निकालोगे? थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये O है और ये E है। मैं अलग से आपको बना के दिखाता हूं, ये O है और यहां पर कौन है? E। ये लाइन OE हो गई, तो ये एक क्या है? विकर्ण। O के निर्देशांक है 0, 0, 0, E के निर्देशांक है a, a, a। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोज्याएं बता सकते हैं आप? कैसे निकालते थे? फॉर्मूला याद है आपको? हम आपको बताते हैं, सुनिए। x2 - x1 upon √x2 - x1² + y2 - y1² + z2 - z1² दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोज्याएं कैसे निकाली जाती हैं? अगर ये x1 y1 और z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाते थे, x2 - x1 upon √x2 - x1² y2 - y1² + z2 - z1² याद आया? इसी तरीके से m निकालने के लिए क्या करते थे? y2 - y1 upon √x2 - x1² + y2 - y1² + z2 - z1² इसी तरीके से n निकालने के लिए z2 - z1 upon, यही चीज फिर लिखते थे। अभी भी नहीं याद आ रहा है आपको? आया? वही चीज इसमें करिए। तो क्या करेंगे? x2 - x1 l अगर निकालोगे तो x2 - x1, तो a - 0 करोगे तो a √x2 - x1² a² y2 - y1² a² z2 - z1² a² 3a² बन जाएगा। a तो बाहर निकल जाएगा और a से a कैंसिल भी हो जाएगा, 1 upon √3। ये किसकी वैल्यू आएगी? l की। इसमें यही m की आएगी और यही n की आएगी, आप करके देख लो। समझ आया? तो विकर्ण OE के दिक् कोज्याएं क्या बनेंगी? 1 upon √3 1 upon √3 1 upon √3। बताएं, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? आगे आपको समझ में? अच्छा, विकर्ण OE की दिक् कोज्याएं ये हैं। इसी तरह विकर्ण AF की दिक् कोज्याएं क्या होंगी? विकर्ण AF की दिक् कोज्याएं DCs, बताएं AF कहां पर है? A और F, A लेना है हमको और F लेना है, तो हमने A बिंदु ले लिया और हमने F बिंदु ले लिया। F पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 a a। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a 0 0। निकालो अब इसका। 0 - a
तो माइनस ए अपॉन अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। इसमें कितनी वैल्यू आएगी आप सॉल्व करोगे, माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री। तो ये आएगी माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री। एम की वैल्यू वाई टू माइनस वाई वन, अब ए माइनस जीरो होगा, अब ये प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री और ये भी आ जाएगा प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री। क्या ये समझ आया या मैं सबको निकाल के दिखाऊं आपको? आ गया समझ में? आप कर लो ना, वाई टू माइनस वाई वन करोगे तो प्लस हो जाएगा, जेड टू माइनस जेड वन करोगे तो भी प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, इसके बाद अगला डायगोनल कौन सा है? विकर्ण बी जी की दिक को ज्याय, विकर्ण बी जी की दिक को ज्याय। इसमें बी और जी लीजिए, अब हम ऐसे करके नहीं दिखाएंगे, आप बी लो और जी लीजिए, जीरो ए जीरो, इस बार एल का निकाल जी ये है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन करोगे तो पॉजिटिव आएगा, y2 माइनस y1 करने से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बार दिक को ज्याय क्या आएंगे, 1 अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस 1 अपॉन अंडर रूट थ्री, 1 अपॉन अंडर रूट थ्री। समझ आ गया सभी को? अच्छा, नेक्स्ट विकर्ण CD की दिक को ज्याय, विकर्ण सी डी की दिक को ज्याय क्या होंगी? आप देखो सी डी, सी डी इसकी दिक को ज्याय क्या होंगी? इसमें आप देखो कि जीरो माइनस एच जेड टू माइनस जेड वन में होगा जाकर के, तो कौन सा पार्ट जीरो हो, माइनस होगा इसका, एन वाला, वन अपॉन अंडर रूट थ्री, वन अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री। अब बताएं क्या आपको सभी विकर्णों की दिक को ज्याय समझ आ गई? नहीं समझ आई? करें हम अभी इसको करके दिखाएं आपको। ये जो सी डी वाला विकर्ण हमने लिया है, सी पॉइंट यहां पर है और डी पॉइंट यहां पर है, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए ए जीरो और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं जीरो जीरो ए। अब निकालोगे तो जब एक्स टू माइनस एक्स वन करोगे तो प्लस होगा कि माइनस, यही नहीं मालूम तो मैं तो कहा निकालोगे, x2 माइनस x1 करने से प्लस आएगा कि माइनस, तो मुंह में ढक्कन लगे हैं सबके, y2 माइनस y1 करने से, z2 माइनस z1 करने से आ जाएगा, तो n वाला पार्ट कैसा होगा, माइनस। तो सबकी दिक को ज्याय निकाल ली आपने, अब क्या मैं इसको हटा दूं? तरीका समझ आ गया आपको? जब भी किसी की दिक को ज्याय निकालो, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं आ रहा है तो उसको अलग लिख लो, उसके पॉइंट्स नोट कर लो, इसके बाद दिक को ज्याय निकाल लो। क्लियर? अच्छा, एक चीज और बताएं, अगर विकर्ण ओई की ये दिक को ज्याय हैं, तो विकर्ण ओई का बारे में से क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? दिक को ज्यायों से क्या ज्ञात होता है? इकाई सदिश। मैं आपको बता देता हूं कि शायद आप क्वेश्चन ना समझ पाए, कि अगर हमारे पास किसी भी सदिश की दिक को ज्याय हैं तो हम उसका क्या बना सकते हैं? इकाई सदिश बना सकते हैं। तो क्या आप इनसे क्या बन जाएगा ओई का, ऐसे बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। अब आप मुझे अच्छा ये बताओ, ओई वेक्टर बनेगा दिक को ज्यायों से कि ओई के ऊपर कैप लगाकर बनेगा? इकाई सदिश बनेगा। वेक्टर किससे बनता? दिक अनुपात से। ये तो दिक को ज्याय है, तो क्या बनेगा बताओ? वन अपॉन अंडर रूट थ्री आई कैप, वन अपॉन अंडर रूट थ्री जे कैप। वैसे एक चीज बताएं, जब सभी के साथ में है वन अपॉन अंडर रूट थ्री तो आप कॉमन कर लो, सीधे सीधे आसान भी हो जाएगा। कितना? वन अपॉन अंडर रूट थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसी तरह से हम इसका क्या बना सकते हैं, ए एफ का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा बताइए?
वन अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आप चाहें तो सबको अलग अलग बना के लिख लो, लेकिन क्यों उतना बड़ा लिखोगे, ऐसे ही लिख लो आप। इससे क्या बन जाएगा, बीजी की दिशा में इकाई सदिश बन जाएगा। कैसे, वन अपॉन अंडर रूट थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी डी का यूनिट वेक्टर बन जाएगा। कैसे, वन अपॉन अंडर रूट थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब इसको मैं साफ कर दूं, ठीक है, तरीका हमने आपको बता दिया, आप इस तरह से सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। याद भी आ गया होगा क्योंकि करा तो हम सब कुछ पहले बता चुके हैं आपको। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये विकर्णों की दिक् कोज्याएं थी और ये विकर्णों के इकाई सदिश बन गए विकर्णों की दिशा में। अभी तक उस लाइन का जिक्र नहीं आया जो लाइन इन विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है, ठीक है। तो अब उस लाइन का जिक्र करते हैं। माना दी गई रेखा, इस फिगर में वो रेखा कहां है, मेरे लिए उस लाइन को शो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये चार विकर्णों को ही शो करना काफी डिफिकल्ट है। अगर मैं बनाऊंगा फिगर बड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। ओ से ई को मिलाऊंगा, फिर ए से एफ को मिलाऊंगा, फिर बी से जी को, सी से डी को। आप समझ सकते हैं उस फिगर की कल्पना करिए, वो फिगर में कितनी लाइनें हो जाएंगी और वो फिगर बड़ा आपको दिखना बहुत मुश्किल होगा आपको समझने में। तो आप उसको इमेजिन करके देखो, कल्पना करो, सोचो उसको कि माना दी गई रेखा के दिक अनुपात नहीं, दिक को ज्याएं। हमने मान लिया रेखा के दिक को ज्याएं L, M व N है। थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने रेखा की दिक को ज्याएं क्या मान ली, L, M, N, ये हमने मान लिया। दिक को ज्याएं ही क्यों मानी, दिक अनुपात क्यों नहीं माने, क्योंकि यहां पर भी हमने विकर्णों की क्या निकाली है, तो हम रेखा की भी क्या निकालना चाहते हैं, दिक को ज्याएं। अगर हम इसके दिक अनुपात से बनाते तो हम उसको भी दिक अनुपात से बनाते। तो हमने रेखा की दिक को ज्याएं क्या मान ली, एल एम और एन। अगर ये रेखा की दिक को ज्याएं एल एम एन है तो क्या आप बता सकते हैं रेखा के अनुदिश इकाई सदिश क्या बनेगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। नहीं समझ आया, इसलिए रेखा के अनुदिश इकाई सदिश क्या बन जाएगा, एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। ये रेखा के अनुदिश क्या बन गया, इकाई सदिश बना, और को दिक को ज्यों से इकाई सदिश ही बन सकता था, दिक को ज्यों से फुल वेक्टर तो नहीं बन सकता था ना। तो दिक को ज्याएं हमने मानी और दिक को ज्यों से इकाई सदिश ही बन सकता था, तो हमने रेखा के अनुदिश इकाई सदिश बना लिया। आप चाहो इसका कुछ नाम रख दो, हम इसका नाम रख देते हैं वेक्टर ए। ये वाली बात हमने क्या कर ली, मान ली। नहीं समझ में आई, अच्छा अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो लाइन है वो इस विकर्ण के साथ कितना कोण बनाती है, अल्फा। लाइन जो है वो इस विकर्ण के साथ बीटा, और लाइन इस विकर्ण के साथ गामा, लाइन इस विकर्ण के साथ डेल्टा कोण बनाती है। तो अब मैं लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि दी गई रेखा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि दी गई रेखा किसके साथ, चलिए ठीक है, क्योंकि दी गई रेखा विकर्ण OE के साथ, एक एक विकर्ण लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दी गई रेखा विकर्ण OE के साथ
दी गई रेखा विकर्ण OE के साथ अल्फा कोण बनाती है। समझ आया? क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है आपको? जो एक लाइन है मैंने बनाई नहीं है, एक लाइन ऐसी है कि जो इसके विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है। तो हमने मान लिया कि वो जो लाइन है इस पहले विकर्ण के साथ अल्फा कोण बनाती है, दूसरे विकर्ण के साथ बीटा बनाती है, तीसरे विकर्ण के साथ गामा और चौथे विकर्ण के साथ डेल्टा। तो माना कि दी गई रेखा विकर्ण OE के साथ अल्फा कोण बनाती है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? क्या आपको याद है दी गई रेखा और विकर्ण OE इनके बीच कितने का कोण बनता है? दो सदिशों के बीच कोण निकालने का सूत्र आपको याद है? कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। याद आया फॉर्मूला? तो अगर रेखा और विकर्ण OE के बीच अल्फा कोण बनता है तो कॉस अल्फा के बारे में कुछ बता सकते हैं आप मुझे? क्या लिखना चाहिए मुझे? रेखा की और विकर्ण के सदिशों को ले लो। तो फिर आप रेखा की अनुदिश इकाई सदिश कितना है? ये, और इसे एक कैप मान लो बेटा, इकाई सदिश है ना? ठीक। और विकर्ण OE के दिशा में इकाई सदिश कितना है? ये है। तो कैसे लिखा जाए बताएं? लिखा जाए ए कैप डॉट OE कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए कैप इंटू मॉड ऑफ OE कैप। अभी भी नहीं समझ आया? बताइए, समझ आ रहा है? आप ये सोच सकते हो कि ये तो सदिश लिए जाते थे तो आप सदिश भी ले सकते थे इनके, लेकिन अगर मैं इनके वेक्टर बना के वर्क करता तो ये बड़ा काफी डिफिकल्ट होता है। इकाई सदिश बना के कर रहे हैं तो ये बड़ा आसान है। आप सोचोगे आसानी तो हमको अभी तक दिखी नहीं, दिख गई। इकाई सदिश का मापांक कितना होता है? इकाई सदिश का मापांक कितना होता है? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपको केवल ए कैप और OE कैप का डॉट प्रोडक्ट करना रहेगा। तो ये आसान नहीं हुआ? अगर यहां पर इनके वेक्टर बनाए होते आपने, फिर मापांक 1 हुए होते? नहीं होते, उनकी भी बड़ी बड़ी वैल्यूज आती, सॉल्व करना पड़ता और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े साइज का बनता जा करके। इसलिए आप चाहो तो इकाई सदिशों को बना के नोट कर आप यूज कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे करके यूज। और वैसे भी एक चीज देखो, आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां से, इसको पहचानिए क्या है ये। वेरी गुड, ये क्या है? ए कैप। और इसको पहचानिए कि ये क्या है? बी कैप। तो ए कैप डॉट बी कैप, ठीक तो है? प्रॉब्लम कहां है? अगर आपके पास दो इकाई सदिश हैं तो उनके बीच का कोण निकालने के लिए आप सीधे उनका डॉट प्रोडक्ट करवा दो बस। अभी भी नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? तो मैं इतना भी नहीं करूंगा, आप तो दो इकाई सदिश हैं, इनके बीच का एंगल निकालने के लिए आप सीधे उनका केवल क्या करवा दीजिए? डॉट प्रोडक्ट करवा दो। नहीं समझ आया? तो अब ए कैप की वैल्यू ये है आपके सामने, OE कैप की वैल्यू ये है आपके सामने, करवाइए डॉट प्रोडक्ट। 1/√3 तो हम पहले लिखे रहेंगे, आई कैप वाले को आई कैप से करो, क्या मिलेगा? यहां पर आई कैप का गुणांक कितना है और वहां पर, तो गुणा करो ना, एल प्लस एम प्लस एन, ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। नहीं समझ आया? इसी प्रकार अब मैं लिखूंगा नहीं बाकी चीजें, इसी प्रकार दी गई रेखा विकर्ण AF के साथ बीटा कोण बनाती है, तो कॉस बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? ए कैप डॉट AF कैप। नहीं समझ में बात आई? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराइए तो क्या मिलेगा आपको? 1/√3 माइनस एल प्लस एम प्लस एन, ये इसकी वैल्यू कॉस बीटा आ गया। कॉस गामा के लिए इसका कराना पड़ेगा आपको, ए कैप डॉट
बी जी कैप, ठीक है, दिस इज वन अपॉन अंडर रूट थ्री एल माइनस एम प्लस एन. सिमिलरली कॉस डेल्टा इज इक्वल टू ए कैप डॉट सी डी कैप इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट थ्री, इसका उसका करोगे तो एन नेगेटिव आएगा, तो एल प्लस एम माइनस एन. ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा आ गया, ठीक है. अच्छा अब हमको प्रूफ क्या करना है, अब हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा निकाल लिया है, अब जो सिद्ध करना है उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, जो भी चीज सिद्ध करनी है बुक में आप देख रहे हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा प्लस कॉस स्क्वेयर डेल्टा. अब इनकी वैल्यूज लिखो आप. कॉस स्क्वेयर अल्फा, ये है कॉस अल्फा, इसका स्क्वेयर करोगे तो क्या मिले, देखो सब के स्क्वेयर करके ऐड करने हैं, तो वन अपॉन अंडर थ्री का स्क्वेयर क्या होगा सब में, और ऐड करोगे फिर ये कॉमन आ जाएगा, तो आपको ये क्या मिलेगा बाहर वन बाई थ्री, अंदर में क्या मिलेगा एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वेयर प्लस दूसरा मिलेगा माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वेयर प्लस एल माइनस एम प्लस एन होल स्क्वेयर, और ये आपको मिल जाएगा प्लस एल प्लस एम माइनस एन होल स्क्वेयर. ये समझ आई कि नहीं इतना अभी आपको. अब इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर. क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. लगा लेते हैं आप लोग, क्या हमको लगाना पड़ेगा, लगा लेंगे पक्का एकदम, ठीक. तो अब हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे, हम केवल क्या करके दिखा देंगे, वन बाई थ्री ये आएगा वन बाई थ्री. अंदर जब आप होल स्क्वायर इसका ओपन करोगे, निशानों का बहुत ख्याल रखिएगा, सब कुछ कट पिट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा फोर एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर. सभी ब्रैकेट्स के एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर बच जाएंगे, तो चार एल स्क्वेयर बचेंगे, चार एम स्क्वेयर चार एन स्क्वेयर, बाकी सब निशानों की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे. अब एल एल एम एन है क्या चीज, दिक खोज जाए, अगर ये दिक खोज जाए तो इनके वर्गों का योग कितना होता है एक, वेरी गुड, तो इनके वर्गों का योग एक होता है. अब अगर ये एक हो गया, एक का गुणा चार से करेंगे, चार चार बटे तीन, और यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है. नहीं समझ में आया, इस तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 26 सॉल्व करेंगे, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 28 सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 27 क्यों नहीं, क्योंकि 2020 और 21 के लिए आपने देखा एंगल वाले सारे क्वेश्चन हटा दिए गए, और इसमें लंब होने की बात कर रहे हैं लास्ट में, लंब होने के लिए 90 डिग्री का एंगल कुछ बनना चाहिए, तो एंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे. 28 नंबर पर आ जाते हैं, लिखा हुआ है बिंदु P 659, बिंदु P है 6.5.9, ये एक पॉइंट दिया गया है हमको 6.5.9, और तीन बिंदु हमको और दिए गए हैं, एक बिंदु हमें A दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा 3 माइनस वन टू, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2 4, और एक सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है माइनस वन और 6.
अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा जरा। बिंदु पी जिसके निर्देशांक है 6.5.9 से बिंदुओं ए बी और सी, उनके कोऑर्डिनेट्स आपके सामने भी लिखे हैं, आपकी बुक में भी दिए गए हैं, द्वारा निर्धारित समतल की दूरी ज्ञात करिए। देखिए मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि सबसे पहले तो एक काम करना है, ये जो तीन बिंदु आप देख रहे हैं इनसे जाने वाला एक समतल है और उस समतल की इस वाले बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो ये तो बड़ा आसान है, ऐसा कर लो, पहले इन तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण निकाल लो आप, और जब इन तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण आपको आ जाएगा फिर आप इस बिंदु से इसकी दूरी भी पता लगा लोगे। क्या सूत्र लगाओगे दूरी के लिए? दो सूत्र लगेंगे यहां पर, पहले इन तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण चाहिए पहले तो हमको, तो ए कॉमा बी व सी से गुजरने वाले जाने वाले समतल का समीकरण। किसी को याद है फॉर्मूला? वेक्टर फॉर्म में भी होता था, कार्टेशियन फॉर्म में भी होता है। वेक्टर फॉर्म में होता था वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। नहीं याद आया आपको? अभी भी नहीं याद आया? आया, लिख दें हम? ऐसा होता था फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। देखिए फॉर्मूला भी आप जरूर याद करें, इसीलिए मैंने बड़े बेसिक से ही सारे फॉर्मूलों को लिया है ताकि आपको याद हो जाए। तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण, कार्तीय समीकरण क्या होता है? कार्तीय समीकरण में भी मैंने एक बड़ी अच्छी फॉर्मेट आपको बताई थी, आज वही इस्तेमाल करेंगे हम। हमने आपको बताया था x माइनस एक्स वन, फिर माइनस एक्स वन माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन माइनस वाई वन माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन माइनस जेड वन माइनस जेड वन। इन जगहों पर क्या भरना बताया फिर हमने? एक्स टू एक्स थ्री वाई टू वाई थ्री जेड टू जेड थ्री एंड इट विल बी इक्वल टू जीरो। याद आया कार्टेशियन फॉर्म में बताया गया था? अच्छा भाई, इसमें से इसको एक्स वन वाई वन जेड वन, ये एक्स टू वाई टू जेड टू, दिस इज एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। एक्स माइनस एक्स वन मीन्स एक्स माइनस थ्री, वाई माइनस वाई वन तो वाई माइनस वाई वन की जगह पर माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा, जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड वन की जगह पर टू, ठीक है। एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन टू, एक्स थ्री माइनस एक्स वन माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, वाई टू माइनस वाई वन टू माइनस माइनस वन थ्री, वाई थ्री माइनस वाई वन माइनस वन माइनस माइनस वन जीरो। देखो माइनस एक में माइनस एक घटा दोगे तो जीरो ही तो बचेगा। जेड टू माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन टू, जेड थ्री माइनस जेड वन फोर इज इक्वल टू जीरो। आप इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स माइनस थ्री, चाहे जैसे आप करो, चलिए x माइनस थ्री ले लेते हैं। अच्छा x माइनस थ्री लेंगे तो नंबर ऐसे ढके जाएंगे, क्या होगा? चार तिया बारह माइनस जीरो, तो बारह माइनस जीरो और साथ में कौन रहेगा? x माइनस थ्री। फिर सेकेंड टर्म कैसी होती है? माइनस, ये इसको लेना है, ऐसे कवर करेंगे, दो चौके आठ माइनस माइनस आठ सोलह बन जाएगा, आठ माइनस माइनस आठ और साथ में कौन रहेगा? वाई प्लस वन। फिर नेक्स्ट टर्म प्लस आएगी,
ऐसा कवर करेंगे, 0 माइनस माइनस 12, 0 प्लस 12, और साथ में z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए कितना बन जाएगा, 12x माइनस 36 प्लस, नो माइनस, माइनस 16y माइनस 16, माइनस 16y माइनस 16 प्लस 12 को करेंगे तो 12z माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये बन गया 12x माइनस 16y प्लस 12z माइनस 36 माइनस 16 माइनस 24 माइनस 86 76। तो उसको उधर भेज दीजिए ऐसा। तो क्या ये सब किसी एक नंबर से कैंसिल हो सकता है, 4 से, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो थोड़ा नंबर छोटे हो जाएंगे, 4 से डिवाइड कर दो, 3x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 19। अभी भी नहीं समझ आया, इस समतल का सदिश रूप बता सकते हैं आप मुझको, सदिश रूप, या तो ना निकालिए सदिश रूप आप, इस बिंदु से इसकी दूरी पता लगानी है, ये समतल का समीकरण आ गया, अब हमें इस बिंदु से इसकी दूरी निकालनी है। तो एक बिंदु से, एक दिए गए बिंदु से समतल की दूरी कैसे निकालेंगे, याद करो, ax प्लस by प्लस cz प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ए इंटू एक्स करोगे 3 6 18, बी इंटू वाई करोगे माइनस 4 × 5 तो ये आ जाएगा माइनस 20, सी इंटू जेड 3 × 9 कर दोगे 27, प्लस डी लिखोगे तो माइनस 19, क्योंकि डी की वैल्यू माइनस 19 है, अपॉन अंडर रूट 9 16 9, ए बी सी के स्क्वायर्स का वर्ग। अब 27 और 18 कितना हुआ, 45, और ये 20 और 19 माइनस 39 कितना बचा, 6, तो ये आ गया 6/√34। ठीक है, ये 6/√34 बना। अब हम 6/√34 में √34 का गुणा भाग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6√34/34। आप 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगी 3√34/17 यूनिट। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें, फॉर्मूले को याद रखें, ऐसे लगेगा। तो आज इतना ही रखेंगे मैथ्स में, आगे और कैलकुलेशंस करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।